ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ USA ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। इस ते जो शिकायत मुख्यमंत्री कोल पहुंची तो उन्हें पहला इस सारे मामले की जांच करवाई। इस दरमियान मुख्यमंत्री वालों सिंगला नू तलब भी किया गया, जिस विच उन्हें मन्ने है कि उन्होंने वालों गलती हुई है, जिस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्होंने कैबिनेट विचों बाहर का रस्ता दिखा दिता है। इत्थे ही बस नहीं, इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने सिंगला के खिलाफ जिहड़ा केस दर्ज करन दे भी हुक्म जारी किए, जिस तो बाद एंटी करप्शन विंग दे वालों उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसा हरी झंडी दे के रवाना किया है। केजरीवाल ने उन्हों बसा एक की सवारी भी की है। मुख्यमंत्री ने इंद्रप्रस्थ डिपो तो बसा हरी झंडी विखाई और राजघाट बस डिपो पहुंचने लिए उन्होंने एक विच सवार हो गए। पत्रकारों गलबात करद उन्होंने जनता को अपील की है कि यह तुहाडियां बसा ने, कृपया करके इन्हों का ध्यान रखो, उन्होंने गंदा ना करो। दिल्ली सरकार ने अगले 10 साल इलेक्ट्रिक बसा प्राप्त करने के लिए 1,862 करोड़ रुपए अलाट किए ने, जबकि केंद्र ने इसलिए 150 करोड़ रुपए दिए ने। अमेरिका की मौजूदा संसद के 4 भारतीय अमेरिकी मैंबर ने टैक्सास के एक स्कूल दे विच भारतीय मूल के एक विद्यार्थी के नाल किए गए दुरव्यवहार की हालिया घटना से डूंगी चिंता जाहिर की है। भारतीय अमेरिकी संसद मैंबर अमी बेरा रो खन्ना, राजा कृष्ण मूर्ति और परमीला जयपाल ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा है कि असी कोपेल इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट दे कोपेल मिडल स्कूल नॉर्थ विच वापरी हालिया घटना से अपनी गंभीर चिंता प्रगट करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। जिवें कि तुसी जानते हो कि घटना की व्यापक पद्धर से प्रसारित वीडियो विच विखाई दे रहा है कि 14 साल बच्चे नाल कुटमार की जा रही है और कथित रूप के नाल कुश्ती के एक दा कारण उसका दम घुटन लगता है, जिस नाल वह गंभीर रूप के नाल जख्मी हो सकता है। पछमी आस्ट्रेलिया अलबानी सरकार दे नाल विदेशी नर्सां नूं फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रदान करन नूं तरजीह देवेगा, जेकर ओह कोविड-19 दे कारण विगड़ रहे अपने सेहत स्टाफ नूं उत्साहित करन दे लई राज दे विच जाण लई तैयार ने। सेहत मंत्री अंबर जैड सैंडरसन ने राज दी संसद दे विच बजट अनुमाना दी सुनवाई दौरान यह टिप्पणी की है। यह बयान उदों आया जदों पछमी आस्ट्रेलिया ने 12,114 नवे केसां दे नाल कोविड-19 नाल संक्रमित लोकां दीआं 6 होर मौतां दर्ज कीतीआं ने, पर सेहत मंत्री ने सवालों के जवाब नहीं दिए कि पूरे सैक्टर विच किस पद्धर तक की घाट मौजूद है, खास तौर पर किन्ने फुल टाइम बराबर स्टाफ की लोड़ है। चीन ने करीब 2.5 साल के ठंडे रवैये तो बाद तेजी नाल अगे वधदे कहा है कि वह आस्ट्रेलिया की नवी चुनी गई अल्बानी सरकार के नाल चीजा नूं जोड़न दे लई तैयार ने। चीन के प्रधानमंत्री प्रीमियर ली केकी यांग की वधाई संदेश आम हालात में रूटीन होगा, पर 50 साल पहला विटलम लेबर सरकार द्वारा पीपल्स रिपब्लिक नाल कूटनीतिक संबंधा की जड़ी स्थापना का हवाला देने वाली इस गल ने चंगा माहौल बनाया। इस मौके ली ने कहा है कि चीन अतीत की समीक्षा करन, भविख का सामना करन, आपसी सत्कार आपसी लाभ के सिद्धांतों नूं बरकरार रखने के लिए आस्ट्रेलियाई पक्ष नाल काम करन लई तैयार है। आर्थिक संकट नाल जूझ रहे श्रीलंका ने इत्थे पेट्रोल दीआं कीमतां दे विच 24.3% अते डीजल दीआं कीमतां दे विच 38.4% दा वादा कर दित्ता है। श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण भयानक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते यह वादा किया गया। गुआंढी देश दे विच 19 अप्रैल के बाद तेल दीआं कीमतां दे विच वादा यह दूसरी बार का वादा है। इस दे नाल ही सब तो ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्टेन 92 पेट्रोल की कीमत 420 रुपए यानी कि 1.17 डॉलर प्रति लीटर, डीजल की कीमत 400 रुपए यानी कि 1.11 डॉलर प्रति लीटर होगी, जो हुण तक का सब तो उच्चा पद्धर है। पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री इमरान खान दे वल्लों मुल्तान की रैली दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड दी उप प्रधान मरियम नवाज खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने तो बाद पाकिस्तान के मनुखी अधिकार कमीशन ने शनिवार को जड़ी है इमरान खान की सख्त आलोचना की है और ताड़ना की है। इमरान से भारी आलोचना करते हुए मनुखी अधिकार समूह ने कहा है कि PTI की मुल्तान रैली में मरियम बारे इमरान खान की घटिया टिप्पणी ने बदनामी की गहराई
ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। उधर पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 100 तो वध कारकुनां नूं छेती चोणां की मंग नूं लै के संघी राजधानी इस्लामाबाद दे विच योजनाबद्ध प्रदर्शन करने के दोष विच गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बाद दे विच पुष्टि की है कि गिरफ्तारियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन दे सत्ताधारी गठजोड़ के इशारे से की गई ने। सोमवार देर रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करां ते कार्रवाई शुरू की गई है। पीटीआई मुखी इमरान खान ने सरकार नूं संघी असैंबली भंग करके चोणां कराउण दी अपील की है। इन्हां मंगां नूं लै के पीटीआई दा विरोध होर तेज हुंदा जा रहा है। अंदोलनकारी 25 मई नूं इस्लामाबाद दे विच इकट्ठे होण वाले ने। पाकिस्तान के सिंध सूबे दे विच कई अतवादी हमलिया की संभावना के मद्देनजर सूबाई सरकार ने इते पूरे सूबे दे विच धारा 144 लगाउण दा फैसला किया है। सिंध सरकार दा इह कदम कराची विच लड़ीवार बंब धमाकिया ते महानगर के दखणी जिले विच अतवादी गतिविधियां नूं लैके सिंध के गृह विभाग वल्लों जारी चेतावनी के मद्देनजर आया है। गृह विभाग के वल्लों जारी एक बयान विच कहा गया है कि सिंध के गृह विभाग ने जिला दखणी विच धारा 144 लागू कर दी है अते ड्रोन कैमरे अते मनुख रहित एरियल व्हीकल्स की भी वरतों से पाबंदी लगा दी है। इस डरो कि अतवादी ड्रोन राही शहर दियां महत्वपूर्ण इमारतों नूं निशाना बना सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के जारी होने बाद ही पूरे सिंध के विच इकट्ठे जुलूस अते मीटिंग्स ते पाबंदी रहेगी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी दे विच एक रेस्टोरेंट विच गैस सिलेंडर फटन दे नाल दो लोगों की मौत हो गई है अते 120 होर जख्मी हो गए ने। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी विच पुलिस ने इस हादसे की पुष्टि की है। सो यह सन देश विदेश की अहम खबर नवी ताजा जानकारी वेखन के लिए तुसी वेखदे रहो साझा पंजाब यूएसए ते हुण मैं त्यों आ गया। धन्यवाद।